नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं मंगल की सीरीज़ की जानकारी दे रही हूँ। अब तक मंगल खाना नंबर 1 से 5 तक की जानकारी दी है। आशा करती हूँ जो जानकारी मैंने शेयर की उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। आज मैं मंगल खाना नंबर 6 के बारे में बात करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। खाना नंबर 6 बुध और केतु का घर होता है। जब मंगल 6 में हो तो केतु खराब हो जाता है और सूरज कुंडली में कहीं भी हो तो उच्च का हो जाता है। मंगल 6 वाले हिम्मत वाले होते हैं। मंगल 6 वाले अपने परिवार का तो ख्याल रखते ही हैं और अपने खानदान का भी पूरा ख्याल रखते हैं। मंगल 6 वाले की कलम में तलवार से अधिक ताकत होती है क्योंकि इनका बुध अच्छा होता है। मंगल 6 वाला अपने माता पिता की मन्नतों से ही पैदा होता है और मंगल 6 वाले का बेटा भी मन्नतों से ही पैदा होता है। मंगल 6 वाला अपनी मेहनत से धन कमाता है और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। यह गुस्से वाले और तेज़ बुद्धि वाले होते हैं। ये अपने नौकरों से परेशान रहते हैं। जानवरों से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल 6 वाले को फोड़े फुंसियाँ और स्किन डिसीजेज भी हो सकती हैं। छठे घर का मंगल आपके छोटे भाई बहनों के लिए ज़्यादा शुभ नहीं होता। यह विवेकवान व्यक्ति होते हैं। मंगल 6 के समय दूसरे शुभ ग्रह हों तो इनके पिता शक्तिशाली और प्रतिष्ठित होते हैं। मंगल 6 वाले बिजनेस से ज़्यादा जॉब को प्रेफर करते हैं। मंगल खाना नंबर 6 में हो तो व्यक्ति को भूख अधिक लगती है। इनके गुस्से के सामने कोई टिक नहीं पाता। मंगल 6 वाले के मामा के बच्चे ज़्यादा सुखी नहीं होते। छठे भाव में मंगल होने से इनकी खेलों में रुचि होती है। मंगल 6 अगर मेष कर्क या मीन राशि में हो तो ये छोटे काम करने वाले भी हो सकते हैं। मंगल छठे घर में हो तो व्यक्ति को अधीर बनाता है। इनको सक्सेस की बहुत इच्छा होती है इसलिए वे हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ये बहुत जल्दी और आसानी से अधीर हो सकते हैं। अगर कोई इनके काम को क्रिटिसाइज़ करे या इंटरफेयर करे तो ये गुस्सा या नाराज़ भी हो सकते हैं। मंगल 6 में हो तो इनकी खुशियों को नज़र भी लग सकती है इसलिए इनको अपनी खुशियों में मीठा नहीं बांटना चाहिए। अगर मीठा बांटना भी हो तो उसके साथ नमकीन भी ज़रूर बांटें। खासकर जब मंगल 6 वाले का बेटा पैदा हो तो इन्हें मिठाई बांटने की बजाय नमकीन चीज़ें बांटनी चाहिए। मंगल 6 के समय सूर्य कुंडली में जहाँ भी होगा उस घर की क्वालिटी बढ़ जाती है। ये जो कहता है वह करके दिखाता है। मंगल 6 वाला कोई भी काम कर सकता है। मंगल 6 के समय शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। मंगल 6 वाला अपने पड़ोसियों से कम मिलता है। मंगल 6 वाले को के मामा को हेल्थ इशू हो सकते हैं। ये लोग अपनी मेहनत से अपना परिवार पालते हैं। ये लोग जितना सिंपल जीवन जीते हैं इनकी उतनी ही तरक्की होती जाती है। जैसे जैसे ये तरक्की करते हैं इनके भाई भी तरक्की करते जाते हैं। मंगल 6 वाले को अपना करेक्टर स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब मंगल अशुभ हो तो बेटे से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सिंपल लाइफ जिएगा तो ये खुश रहेगा। मंगल 6 वाले को अपनी खुशी का दिखावा नहीं करना चाहिए नहीं तो लाइफ में असली खुशी नहीं मिल पाती। मंगल मेष और वृश्चिक राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। छठे घर में मंगल होने पर स्त्रियों को बचपन में बुखार होने की प्रॉब्लम हो सकती है। पर खाना नंबर 6 में मंगल वाली स्त्रियां अपने दुश्मनों को हरा सकती हैं। ये बहुत साहसी होती हैं पर इनके पर जीवन में सच्चे मित्र और विश्वसनीयता की कमी होती है। मंगल 6 वाले को कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए। अपना करैक्टर खराब नहीं होने देना चाहिए। खून को
प्योर रखना चाहिए और अपने खर्चे पर भी कंट्रोल रखें और गुस्से पर भी कंट्रोल रखें। अगर बेटा पैदा हो तो उनके जन्मदिन पर मीठा ना बांटें, छोटी कंजकों को हलवा बांटें, उनका आशीर्वाद लें, पानी, चांदी और तेल का दान करें, फ्रेंड्स से मिलते रहें, सोशल बने, करैक्टर को हमेशा स्ट्रांग बनाकर रखें, मंदिर में दूध का दान दें, छाया दान करें, मंगलवार को पीले लड्डू बांटें, अपने छोटे भाई बहनों का अगर ख्याल रखेंगे तो मंगल मजबूत होगा, अपने खाने में गुड़ से बना हलवा लड्डू खाएं, और अगर व्रत रख सकें तो व्रत रखें लेकिन व्रत में नमक नहीं खाएं, तो भी मंगल मजबूत होता है। और मंगलवार के व्रत कम से कम 21 रखें तो फ़ायदा होता है। मंगल मजबूत करने के लिए लाल कपड़ा, तांबा, गेहूं, गुड़ आदि का भी दान कर सकते हैं। जल्दी ही नई वीडियो को लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।